नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बिट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने दो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, एक है भीम और एक है फ़ोनपे। दोनों काफ़ी अच्छी यूपीआई के एप्लीकेशन हैं। यहाँ पे मैंने पहले भीम एप्लीकेशन ओपन की है, जो कि मुझे एक पासवर्ड एंटर करने कह रहा है, जो कि हमेशा आपको एंटर करना पड़ेगा जब भी आप ओपन करेंगे। ये पासवर्ड आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के टाइम सेट कर सकते हो। तो भीम ऐप जब आप इंस्टॉल करोगे, आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप के लिए आपको आपके डेबिट कार्ड के आखिरी के 6 अंक एंटर करने पड़ेंगे और आपका डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट एंटर करना पड़ेगा और आपका मोबाइल नंबर। फिर आपका बैंक अकाउंट आपके ऐप में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भीम एप्लीकेशन से आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हो, या यहाँ पे क्लिक करने से आप पैसे पा सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको कोई क्यूआर कोड दे रहा है पैसे सेंड करने के लिए, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको आपके सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री पता चलेगी, किसे आपने पैसे भेजे हैं या किसने किससे आपने पैसे लिए हैं। यहाँ पे आपका प्रोफाइल आपको दिखेगा, जहाँ से आप अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि आपका यूज़र आईडी आप कह सकते हैं, जिससे आपको पेमेंट रिसीव होगी या आप पेमेंट सेंड करोगे, वो आपको नज़र आएगा यहाँ पे। जो कि ये रहा, ये आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। आपको अगर किसी से पैसे लेने हो जो कि यूपीआई से पैसे दे सकता हो, उसे आप सिर्फ इतना ये यूज़र आईडी या ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस सेंड कर दीजिए। आप ये इमेज भी शेयर कर सकते हैं या आप ये क्यूआर कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और दे सकते हैं, ताकि वो बंदा और या वो व्यक्ति आपको पैसे भेज सकता है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाके आप अपने अन्य बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, या आपके बैंक अकाउंट की बैलेंस भी जान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट बैलेंस पे क्लिक करूँगा, तो मुझे एक्सिस बैंक का जो कि यूपीआई पिन है वो एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना यूपीआई पिन एंटर कर रहा हूँ और मुझे अभी बैलेंस नज़र आ रही है। और अगर मुझे अपना बैंक अकाउंट स्विच करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा चेंज अकाउंट करके। यहाँ पे मैं अपना जो भी बैंक अकाउंट मुझे सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं SBI को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। तो भीम एप्लीकेशन मेरे मोबाइल नंबर के हिसाब से जो भी मेरा बैंक अकाउंट है SBI में, वो ढूंढ के लाएगी और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो अभी मेरा बैंक अकाउंट भीम एप्लीकेशन में चेंज हो गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अभी मैं एक पेमेंट रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं इस बंदे को 10 रुपये भेज के देखते हैं कितना जल्दी पेमेंट होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने पे पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा UPI पिन एंटर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितने आसानी से और कितने तेज़ मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ये UPI करके जो नया सिस्टम आया है उसके बदौलत। तो ये पूरा UPI का सिस्टम आपके मोबाइल नंबर से लिंक किया हुआ है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, जहाँ पे भी आपने मोबाइल नंबर तो रजिस्टर किया ही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके रजिस्टर करना है और आपके सारे बैंक अकाउंट आप वो मोबाइल नंबर से और वो UPI अकाउंट से लिंक कर सकते हो। तो ये बड़ा आसान हो जाता है आपके सारे बैंक अकाउंट से या सारे बैंक अकाउंट से पेमेंट करना या पेमेंट रिसीव करने में। तो ये था आप भीम एप्लीकेशन के फीचर्स। अभी एक और फीचर मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, जो कि है जनरेट QR कोड। यहाँ पे आप सिर्फ अपना अमाउंट डालोगे, जैसे मैंने 80 रुपये डाले, और कुछ रिमार्क डालूंगा मैं जो कि एक मैसेज है, और जनरेट करूंगा QR कोड। तो ये QR कोड जनरेट करेगा,
अभी ये QR कोड मैं किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूँ जिससे मुझे 80 रुपये लेने हैं, तो वो बंदा ये QR कोड को अपने भीम ऐप में स्कैन करेगा और सिर्फ स्कैन करने से पे का ऑप्शन दिख जाएगा। बस इतना ही करने से वो मुझे डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है, ना ही उसे मेरा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एंटर करना पड़ेगा और ना ही अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। और वो स्कैन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो जाएगा और वो यहाँ से स्कैन करेगा। तो ये था भीम एप्लीकेशन का ओवरव्यू। अभी हम जाते हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन में। फ़ोनपे एप्लीकेशन थोड़ा एडवांस एप्लीकेशन है। इसमें आपको सिर्फ UPI के पेमेंट और रिसिप्ट के फीचर्स ही नहीं, और कई फीचर्स भी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रिचार्ज भी कर सकते हो और बिल भी पे कर सकते हो, इंश्योरेंस भी पे कर सकते हो, और ये पे एट स्टोर जो कि स्कैन QR कोड का ऑप्शन जो कि भीम ऐप में भी अवेलेबल था वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सेंड का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। अभी मैंने आपको सेंड का ऑप्शन बताया, अभी देखते हैं रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने पे आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या आप कॉन्टैक्ट भी चूज़ कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट में जो भी आप सिलेक्ट करते हो वो व्यक्ति ने UPI के लिए रजिस्टर किया होगा हो। अभी यहाँ पे सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, मैं अमाउंट एंटर करूँगा और यहाँ पे मैसेज एंटर करूँगा। मैसेज एंटर करना ऑप्शनल है, यानी कि आप अगर नहीं भी एंटर करते हो तो भी चलेगा। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, तो ये जो व्यक्ति है जिनका अकाउंट है ICICI बैंक में, उनको एक रिक्वेस्ट गई होगी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास ICICI बैंक का एप्लीकेशन में मुझे लॉगिन करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे एक रिक्वेस्ट आया रहेगा कि इस व्यक्ति ने आपसे 28 रुपये के रिक्वेस्ट की है। आपको मैं ट्रांजेक्शन पेंडिंग ट्रांजेक्शन में दिखाऊँगा। पेंडिंग में आपने अभी फ़िलहाल रिक्वेस्ट की थी ICICI बैंक से 10 रुपये की। ये नहीं है एक्चुअली, मैं पेंडिंग ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है मुझे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 28 रुपये जो कि अभी जस्ट रिक्वेस्ट किए थे, तो जो ICICI बैंक के ऐप में मैं जब लॉगिन करूँगा तो मुझे वहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगी, जहाँ पे मैं अप्रूव करूँगा तो मुझे यहाँ पे 28 रुपये यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किए थे इसलिए मुझे यहाँ पे मिलेंगे। अभी एक अच्छा फीचर है ये फ़ोनपे एप्लीकेशन का, वो ये है कि मैं यहाँ पे खुद को पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेरे 3 बैंक अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं। अभी मुझे ये अकाउंट से यहाँ पे पैसे भेजने हैं तो मैं वो यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मुझे एक्सिस बैंक में कुछ पैसे डालने हैं, और कौन से बैंक से डालने हैं वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे सेंड करूँगा, तो वो फटाफट पैसे मुझे ट्रांसफ़र हो जाएंगे मेरे ही बैंक अकाउंट में। एक और फीचर है जो कि इतना शायद काम ना आ पाए आपको, जो कि है स्प्लिट अ बिल। जो कि आपको कोई एक बड़ा सा बिल हो जो कि 3-4 लोगों में आपको स्प्लिट करना हो या बांटना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो बंदों का कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो आपको अमाउंट एंटर करने बोलेगा, जो कि अमाउंट तीनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 जन सेलेक्ट किए थे और तीसरा जो कि मैं खुद हूँ, तीनों में अमाउंट बढ़ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे एंटर करने के बाद स्प्लिट अ बिल पे क्लिक करूँगा। तो ये थे कुछ यूनिक फीचर जो कि फ़ोनपे प्रोवाइड कर रहा है। एक और यूनिक फीचर है जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है वॉलेट। अभी ये वॉलेट सिस्टम में आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी वॉलेट का बैलेंस इसलिए काम आता है क्योंकि आपको ये जो सर्विसेज है जैसे रिचार्ज और बिल पेमेंट की, वो आप आसानी से कर सकते हो। और एक अच्छी बात ये भी है कि आपको अगर वॉलेट बैलेंस आपको वापस अपने बैंक में जमा करनी है, आपको मे बी आपके बैंक बैलेंस में बैंक का बैलेंस कम हो चुका हो और आप में वॉलेट में बहुत बैलेंस हो, तो आप सीधा यहाँ से आपको बैलेंस दिखाएंगे, वॉलेट बैलेंस आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करोगे, यहाँ पे छोड़ दोगे, तो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगी आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट में। तो ये था, ये काफ़ी आसान हो जाता है पैसे वॉलेट से बैंक में और बैंक से वॉलेट में डालने के लिए। और यहाँ पे बैंक अकाउंट में
आपको सारे बैंक अकाउंट दिखेंगे जो भी आपने ऐड किए हैं, और आप और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीधा सिलेक्ट करना है, यहाँ से वो अपने आप फेच कर लेंगे डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। जैसे देख सकते हैं आप, अभी ICICI बैंक का डिटेल्स इसने फेच कर लिया है ये एप्लीकेशन ने। मैं डन करूँगा तो ऐड हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो चुका है। और मुझे अब ये एक्टिवेट करना है तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करूँगा, यस करूँगा। और आपको और भी कोई दिक्कत होती हो तो आप सीधा जाके यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी गुजराती मराठी कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस है यहाँ पे। आपको कुछ और बताना चाहूँगा वो UPI पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो कि आपका ऐप जनरेट करता है और जो कि कॉमन रहता है, यानी कि सेम रहता है आपके सारे बैंक अकाउंट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको भीम एप्लीकेशन भी दिखाई थी, और ये फ़िलहाल दिखा रहा हूँ आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन। इसमें जब आप यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दिखेगा जो कि ये रहा। अभी ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कॉमन रहेगा, कॉमन यानी कि सेम रहेगा आपके सारे बैंक अकाउंट के लिए जो भी आपने यहाँ पे ऐड किए रहेंगे। तो वो जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस था वो ये अकाउंट के लिए भी है, इस अकाउंट के लिए भी है, और सारे अकाउंट्स के लिए जो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो कि आपको आपका इंडिविजुअल बैंक आपको अलग से प्रोवाइड करेगा वो भी रहेगा, और जो आप फ़ोनपे पे आपको जो बन के मिलेगा वो भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। सिर्फ आपको वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फ़िलहाल जो ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कॉमन है वो किसको रिफ़र कर रहा है, या किसको किसके अंडर है अभी फ़िलहाल, या किसको पॉइंट कर रहा है। तो फ़िलहाल मेरा जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो ICICI बैंक के लिए एक्टिव है। मैं उसको बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी एक्टिव कर सकता हूँ, सीधा यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है। तो ये इतना आसान है स्विच करना। अभी मैं आपको यही चीज़ भीम में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना रहेगा प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में आपको दिख रहा है ये है मेरा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो कि कॉमन है मेरे बैंक अकाउंट के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो इस बैंक अकाउंट के लिए एक्टिव है। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको भीम और फ़ोनपे एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन के बारे में जानकारी बताई है, और UPI के बारे में भी बताया है आप किस तरह से UPI से पेमेंट ले सकते हो या पेमेंट कर सकते हो, या आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितनी आसानी से और कितने जल्दी से कर सकते हो बिना कोई चार्जेस से और बिना कोई ज़्यादा लिमिट से। सो आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया है अभी ये पेमेंट करना जब से UPI पेमेंट सिस्टम आया है। आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही हो UPI के पेमेंट रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सवालों का जवाब दूँगा। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में और जानकारी अपने दोस्तों को देनी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पे क्लिक करें और जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे उस पर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियोस के बारे में आपको जल्द से जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।